भारत अभी भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना मामले हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,01,953 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट के मद्देनजर वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया है। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है, और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो किया है वो काफी सराहनीय है। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के 125वें दिन टीके की 14 लाख से ज्यादा खुराकें दी गईं। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 साल के 7,36,514 लोगों को गुरुवार को कोविड-19 की पहली खुराक दी गई है। इस तरह टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत में अब तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 साल के 85,84,054 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। बता दें, देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19 करोड़ डोज दिए गए हैं। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर हो रही चर्चा के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब केंद्र सरकार ने पोलियो का टीका बनाने वाली कंपनी भारत इम्यूलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन यानी BIBCOL को टीके के उत्पादन की अनुमति दे दी है। कंपनी हर महीने 1 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी, जिससे देश में टीके की आपूर्ति होगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा विषय ब्लैक फंगस है, जिसके कारण महाराष्ट्र में अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में इसके इलाज के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में दवाओं की जरूरत है।